नारायण नारायण नारायण। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कल अक्षय तृतीया का सिद्ध मुहूर्त है और कल से हम लोग श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आरंभ भी कर रहे हैं। और इस महायज्ञ में जो अपने अपने घरों में बैठकर जो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, जैसा कि बस आपको केवल संकल्प जो वेबसाइट पर दिया है उसको डाउनलोड करना है, बाकी जो आप जैसा दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले करते थे वैसे ही करना है, केवल आपको संकल्प में वो जैसा संकल्प दिया है वेबसाइट में वैसा उसको करना है। और एक श्लोक दिया हुआ है तो उस श्लोक को जो माता जी का जो 11 बार पढ़ना है, पीताम्बरा द्विभुजाम जो इस तरह का जो श्लोक है तो उसको 11 बार बोलना है। बाकी तो जैसा भी विधान है आप उसमें दिया हुआ है वेबसाइट में और यूट्यूब भी में भी जो वीडियो बने हैं आप सब लोग जानते ही हैं, तो आप करिए। उसमें कोई कमी रह गई दोष रह गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर भी आप नियम से करना है, सबसे पहले स्नान आदि करके पूजन आदि करना है, कलश की स्थापना की आवश्यकता नहीं है, एक आप ज्योति जला देंगे बस काफ़ी है, ज्योति में ही माँ भगवती का वास होता है। उसके बाद अपनी पूजन सामग्री इकट्ठा कर लीजिए, सारी मूर्तियों को जो भी जैसा अपन लोग साफ सफाई करते वो करने के बाद आसन बिछा कर बैठ जाइए। पुस्तक को अच्छी किसी चौकी पर, जो दुर्गा सप्तशती पाठ की पुस्तक है चौकी पर रख कर आप उसमें दीपक वगैरह जलाइए, पूजन और पूजन आदि कर लीजिए। उसके बाद आप संकल्प बोल लीजिए, षटकर्म ये सब षटकर्म आदि पहले कर लीजिएगा, उसके बाद आप संकल्प करना है। संकल्प के बाद सीधा आपको देवी कवच पढ़ाना है। जो देवी कवच में भी जब विनियोग करेंगे तो उसमें भी जैसे श्री दुर्गा भगवती दुर्गा प्रत्यर्थे और सप्तशती पाठांगत्वेन पाठ पाठ विनियोग, तो इसमें आप सप्तशती पाठांगत्वेन का विनियोग कर सकते हैं क्योंकि आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बोल सकते हैं। नवी बोले तो कोई आवश्यकता नहीं है, श्री भगवती दुर्गा प्रत्यर्थे पाठे विनियोग इतना भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। इसमें देवी कवच में क्या है कि यहाँ से शुरू होता है ओम यद गुह्यम परमम लोके, तो इसमें कभी भी ओम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ओम लगा देने से वो जो श्लोक होता है इन श्लोकों का एक छंद होता है। जैसे ये श्लोक है तो ये अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। जैसे यद गुह्यम परमम लोके, तो यद गुह्यम 3 अक्षर हो गए, परमम लोके ये 5 अक्षर हो गए, 8, सर्वा रक्षा करम नृणाम 6 और नृणाम को मिला के 2, इस प्रकार के 8 हो गए। तो इस तरह से ये अगर आप कभी देखेंगे तो एक अक्षर एक लाइन में 16 और कुल मिला के 32 इस तरह से अक्षर होते हैं। अब ये ओम लगा देंगे तो फिर एक संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए उसमें दोष उत्पन्न होता है। तो जो भी हम श्लोक बोलते हैं, जो भी मंत्र बोलते हैं, कुछ श्लोक पंक्ति छंद में होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र वास्तव में गायत्री नाम की तो देवी चलो अब कल्पना करके बोलते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र की देवता तो सविता देवता है, लेकिन उसको गायत्री मंत्र इसलिए करते हैं क्योंकि वो गायत्री छंद में है और गायत्री छंद में 4 चरण होते हैं और उसके प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं, तो इस प्रकार से 24 अक्षर का वो मंत्र हुआ। तो ये सारे छंदों का ज्ञान छंदों के हिसाब से ही उसका निर्माण किया जाता है। तो आप इसमें इस तरीके से आप पढ़ना नहीं है, यहाँ से आप नमस्ते अस्तु महारौद्र से जैसे 16वां श्लोक है यहाँ से आपको पढ़ना है, नमस्ते अस्तु महारौद्र महाघोर पराक्रम से आरम्भ करना है। इसमें एक होता है दिग्बंधन का, तो मैंने वो दिग्बंधन पर वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि प्राच्यम रक्षतु मामेन्द्रिय से शुरू होता है, प्राच्यम माने पूर्व से, फिर पूर्व का कोण, फिर अग्नि का कोण, अग्नि के बाद दक्षिण कोण, फिर नैऋत्य कोण, फिर पश्चिम दिशा, फिर वायव्य कोण, फिर उदिश्यम माने उत्तर, फिर ईशान्य माने ईशान कोण, ऊर्ध्वम और फिर अध माने नीचे, रक्षित अधस्तात वैष्णवी तथा एवं दसो दिशा रक्षित चामुंडा शववाहन। तो यहाँ से आपका दिग्बंधन हो गया, फिर जया में चागृत पादों से ये आपका कवच आरंभ होता है।
उसके बाद कुछ बातें ऐसी आ रही है, थोड़ा सा महिलाओं के लिए है, इसमें थोड़ा आप ध्यान देना है कि दो तीन जगह पे आपको जब पाठ करेंगे तो उसमें आप जो 16वां 30वां जो श्लोक है उसको आप अंडरलाइन कर लेना। पूतना कामिका मेढ्रम, मेढ्रम का मतलब होता है मेढ्र कह, जिसको शब्द संस्कृत में पुरुष की जो जनन इंद्रिय होती हैं, जो स्पष्ट शब्द में कहूँ तो जो पुरुष का जो लिंग होता है उसको मेढ्र कहते हैं। और यहाँ पर आपको स्त्री का अगर पाठ करते हैं तो उसको अपने जनन इंद्रिय का यानी अर्थात योनि का इसमें उल्लेख करना चाहिए। पूतना कामिका ये दो अलग देवियाँ नहीं है, पूतना भी एक प्रकार से ग्रह होता है और कामिका नाम के जो ग्रह जो देवता है, जैसे जैसे राक्षस होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, ऐसे पूतना भी एक योनि होती है। उसमें भी फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो उसमें कामिका नाम के जो पूतना है वे हमारे उस गुह्य इंद्रिय की रक्षा करे, ये इस तरीके से उसमें कहते हैं। तो यहाँ पे मेढ्रम की जगह महिलाएं यदि पड़ेगी तो उसमें योनिम लिखेगी। दूसरी बात, इसमें 35वां श्लोक में शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षित, तो शुक्र जो होता है, चूंकि ये जो उस समय जब ये मार्कंडेय महापुराण का जो उपदेश दिया था ये पुरुष के लिए किया गया था, उसमें शुक्र शब्द का उल्लेख आया है, तो शुक्र पुरुष का होता है, स्त्री यहाँ पर इसको भी बदलना है, स्त्री जब पड़ेगी तो उसमें लिखेगी रजम ब्रह्माणि में रक्षित छाया चतुरेश्वरी तथा। इसके बाद आगे इसमें जाएंगे तो 40वां फिर श्लोक आएगा, तो उसमें पुत्रान रक्षित महालक्ष्मी भार्याम रक्षित तो भैरवी, तो अब भार्या माने स्त्री, मेरे स्त्री की रक्षा भैरवी करे। अब एक स्त्री होगी तो ये तो कहेगी ना कि मेरे स्त्री की रक्षा करे, तो यहाँ तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आप पति आपके हैं तो पतिम रक्षत तो भैरवी बोलिए, अगर आपके पति जैसे नई कोई कन्या अगर पढ़ती है तो इसमें लिखे माता रक्षत तो भैरवी, या पितृन भी कह सकती है, माता शब्द भी माँ के लिए कह सकते, माता रक्षत तो भैरवी, माँ माँ की रक्षा करे। इस तरीके से दो तीन जगह पे आपको सुधार करना है जगह जगह पे, और ये करना आवश्यक भी होता है। जैसे कवच बहुत से मैंने अच्छे अच्छे शंकराचार्य और सन्यासी को भी मैंने देखा, वो लोग भी जब दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे तो फिर जैसे अभी अर्घ्य लास्ट होता तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो लास्ट में जब अंतिम समय में यहाँ जब आएंगे तो उसमें भी लिखा होगा पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागर से कुलद भवाम। इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, ये इसका अर्थ होता है। अब हम जब पत्नी को प्रदान करो मतलब पत्नी की मांग करना है, इसमें लिखा है अभी एक राजा के लिए है, जो पुरुष वास्तव में अर्घ्य कला सूत्र भी एक राज्य के लिए है, क्योंकि रूपम देही उसको रूप भी चाहिए, जयम चाहिए उसको, राजा है तो उसको जय चाहिए विजय चाहिए, ये उसको चाहिए और शत्रुओं का नाश चाहिए द्विषो चाहिए, तो ये राजा को ध्यान में रखते हुए ये कवच और ये स्तुति आदि हुई थी। देवताओं ने भी उनकी स्तुति की है, देवता भी वही चीज़ चाहते हैं, उनको यश चाहिए, उनको बल चाहिए, जय चाहिए, शत्रु का नाश चाहिए, तो ये उसी दृष्टि से ये अर्घ्य स्तोत्र बनाया गया। तो उनको स्त्री के प्रति तो चूंकि वो रजोगुणी होते हैं तो उन्हें तो स्त्री चाहिए, उस अनुकूल पत्नी अगर नहीं मिलेगी तो गृहस्थ जीवन का कैसे सुखमय होगा। तो अब एक सन्यासी भी पढ़ेगा तो फिर क्या होगा उस सन्यासी के साथ, चूँकि दुर्गा सप्तशती पाठ की एक विशेषता है कि इसमें जो जिसने भी पढ़ा और जो कामना और जो संकल्प किया फिर वो होना ही पूर्ण है इसमें। और अगर यदि आपने विधि विधान के साथ पढ़ लिया, श्रद्धा भाव से पढ़ लिया, तो ये कार्य सिद्धि करती ही करती है। तो सर्वबाधा बिंदुर मुक्त धनधान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, माँ भगवती बोली है ना इसमें 12वें अध्याय में, कि उसको सारी बाधा उसकी नष्ट हो जाती है, धन धान्य सूत माने संतान उसको प्राप्त होती है और निर्देश आशीर्वाद से सब प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इस तरह के श्लोक में अगर कोई सन्यासी बोलेगा तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी, ऐश्वर्य आएगा, इस तरीके आएगा तो वो भौतिकता में पड़ जाएगा और सांसारिकता में, फिर आदमी को लगता है ये सब क्या हो गया। लेकिन इसमें हम लोगों की गलतियाँ रहती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि हम भी माना कि चूंकि हम दुर्गा सप्तशती आदि इतने भी कभी हमारी रुचि नहीं रही, लेकिन जब हमने इन सब शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया तो माँ भगवती की कृपा से कुछ इनके रहस्य समझने आने लग गए। और जब भी मैंने पढ़ना आरंभ किया तो उसमें मुझे गलतियाँ समझ में अपने मतलब स्वतः ही आने लग गई। जैसे बजरंग बाण पढ़ते थे तो मुझे समझ में आया कि इसमें ओम नहीं होना चाहिए, भीतर से ही कोई एक आंतरिक शक्ति, जब जब भी आप साधना करोगे तो आपके अंदर से एक शक्ति का जागरण होता है और वो शक्ति ही सर्वे सर्वे सर्वेश्वरी है, सब कुछ है, वो वही सरस्वती का रूप में ज्ञान देती है, महालक्ष्मी रूप में उनका पालन पोषण करती है,
और महाकाली के रूप में आपके सारे शत्रुओं को और आपके विकारों को, आपके दूषित कर्मों को, आपके पाप कर्मों को वो नष्ट करती है, आपका कल्याण करती है। तो इस तरीके से जो मूल प्रकृति मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, जो मूलाधार में जो शक्ति स्थित है वही मूल प्रकृति है। तो उपासना करोगे, साधना करोगे तो मूल शक्ति का जागरण होता है। अध्यात्म में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो हम लोगों को केवल लगता है कि हम मंत्र जपेंगे, पाठ करेंगे तो बाहर से कोई देवता प्रकट होगा। होते हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं होते, चूंकि मंत्र का प्रभाव, लेकिन असली वास्तव में देखा जाए तो जो जो भी मंत्र की जो क्रियाएं होती है वो सारे हमारे शरीर पर पड़ते हैं, चूंकि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर होता है और मंत्र का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर होता है। सूक्ष्म शरीर में जो केंद्र है उनके दलों पर प्रभावित होता है। तो उसे एक ऊर्जा जागरण होता है, भीतर एक शक्ति का परिवर्तन होता है, एक शक्ति जागृत होती है, शरीर के भीतर मन बुद्धि आदि में परिवर्तन होने लगता है। और जिनको ये सब किताबों में इस विषय में जानकारी होती नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन लेते नहीं, तो उनको लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं, हमारा सिर क्यों फट रहा है, रीढ़ की हड्डी में कुछ न कुछ क्रिया होने लग जाएंगी, बहुत सारी उसको दिव्य दृष्टि होने लग जाएंगी, फिर वो लोग दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, हमने ये देखा वो देखा। तो ये इसके लिए कहते हैं ना शास्त्र में कि नहीं, गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। तो हमारे पास जैसे कोई, अगर हमने भी जहाँ से जैसे भी दुर्गा सप्तशती पाठ किए या मार्गदर्शन में यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जुड़े रहे, तो उनको जब हमने ये सब चीज़ें बताई, उनको अनुभूतियाँ हुई, तो उन्होंने हमसे कहा तो हमने उनको समाधान कर दिया, वो आगे बढ़ रहा है आराम से, प्रसन्नता है उनके जीवन में। और यदि यही अनुभूतियाँ हम समझ नहीं पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो फिर हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हैं लोग, तो कृपा को भी फिर पहले तो कहेंगे कृपा करो, जब कृपा हुई तो उसको झेल नहीं पाते। तो इस तरीके से ये समस्या खड़ी हो जाती है आध्यात्मिक क्षेत्र में। जब हम भी साधना काल में आरंभ में निकले तो चूंकि हमने कुछ गुरु कृपा ऐसी रही और कुछ श्रेष्ठ महापुरुषों का हमने साहित्य पढ़ लिया था, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस आदि महापुरुषों का साहित्य पढ़ लिया था, तो आध्यात्मिक जगत का जो मूल ज्ञान होता है उसकी जानकारी थी, इसलिए कोई समस्या उतनी नहीं हुई। और जहाँ जहाँ समस्या आई तो हमने फिर शास्त्रों को अध्ययन किया, पढ़ा, संत महापुरुषों के चरणों में बैठे, जहाँ नहीं समझ में आया तो ठोकरे भी खाई। तो ज्ञान ऐसे ही तो प्राप्त होता नहीं इतना सरलता से। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें साधनाओं में विघ्न बाधाएं आती, लेकिन एक बात है, इन सब के बावजूद भी एक देवी शक्ति आपकी कृपा पीछे खड़ी रहती है, बस उस शक्ति के संकेत को समझना पड़ता है। और इसके लिए ये है कि आपका अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, और आपकी भावना शुद्ध है तो आपके साधना करते समय कोई दोष भी उत्पन्न हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, तो आपने थोड़ी प्रार्थना ही कर दिया कि मंत्र हिणम क्रिया हिणम भी बोल दिया, और ये दक्षिण पद भ्रष्टम भी बोल देंगे, तब भी जो है वो माता जो है आपको कृपा करेगी और वो आपके किसी दोष को ध्यान में नहीं रखेगी। तो इसीलिए आप इस तरीके से आप उपासना करिए, निश्चिंत होकर करिए, और फिर आप राष्ट्र और समाज के हित में कर रहे हैं, आपके पीछे देवी शक्तियाँ खड़ी है, ऋषि मुनियों की सत्ता आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल आप निश्चिंत होकर करिए, आपकी साधना सफल होगी। और इसे आने वाले समय में भी जो जिस प्रकार का ये जो महामारी का प्रकोप है, इसमें भी आपको 7 मई के बाद जो लक्षण आपको स्वयं दिखाई देंगे कि कहीं न कहीं प्रकृति तो शुद्ध हो ही रही है, प्रकृति की ही लीला है, तो प्रकृति के ही हम लोग भी माध्यम है और प्रकृति ही हमसे करवा रही है, हम लोग अलग से तो कर नहीं रहे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, तो सब कुछ तो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा होता है। तो ये सब हो, हमें लोग भी जो कर रहे हैं तो वो भी प्रकृति की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से कर रहे हैं। 7 मई के बाद इसका परिणाम भी दिखेगा, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो अपना संकल्प करते हुए करें। जिनको भी अभी जो भी यजमान बनना चाहते हैं, अभी भी बहुत से लोगों ने मुख्य यजमान वगैरह बन रहे हैं, कुछ लोग सहयोगी यजमान भी बन रहे हैं, तो उन लोगों को भी उसमें सहभागिता रहेगी। तो जैसे ही यंत्र आदि जो भी कवच सिद्ध किए जाएंगे वो उनको पहुँचा दिया जाएगा, और जो जो लोग इसमें सहभागी बने उनकी एक लिस्ट वेबसाइट पर इस यज्ञ के बाद अपलोड कर दी जाएगी कि भाई आपका ये नाम है, और जिसका नाम नहीं रहेगा छूट जाएगा किसी का, तो वो वेबसाइट में देख लेगा कि इसमें छूटा है कि नहीं, उसमें हम नाम आया है कि नहीं आया, नहीं आया है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें कोई जो मुझे लगता है कि कोई बाधा नहीं है, और इसको आप करिए, फिर किलक वगैरह पढ़िए, फिर उसमें जो नवार्ण मंत्र करिए, फिर 11 बार पीताम्बरा माता का स्तोत्र
स्तोत्र पढ़िए। और इसमें क्या है कि माँ भगवती और पिताम्बर, इन दोनों का समन्वय हमने किया। आज एक भक्त ने फोटो भेजी तो उसमें प्रकाशमय था और उसके चारों तरफ पीला पीला वर्ण रूप में प्रकाश था। तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो एक सामान्य क्रिया है, लेकिन जो संकेत समझते हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्रिया होती है। तो हमें ये जो संकेत जिस प्रकार से भगवती ने किया था, उसी प्रकार का हमें एक संकेत यहाँ मिल गया। जैसा कि हमने पिछली बार आपसे कहा था कि एक पीले पुष्प में जो परिवर्तन आया था, लाल की जगह डाली में पीले पुष्प हो गए, पीले डाली में लाल पुष्प हो गए थे, जो प्रकृति परिवर्तन का संकेत था वो। अब भगवती दुर्गा और पीताम्बरा का समन्वय हो गया है, यानी जो भगवती दुर्गा है वो पित्त स्वरूप में पीताम्बरा स्वरूप में प्रकट होगी। पीताम्बरा स्वरूप का अर्थात ये होगा कि आने वाले इस संकट का स्तंभन, क्योंकि वो स्तंभन की शक्ति है और समृद्धि का लक्षण है वो, तो और वो दुष्टों का विनाश करने वाली है। तो दुष्ट शक्तियों का दमन होगा, दुष्ट जो षड्यंत्रकारी जो राष्ट्र है वो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे हैं उनका दमन होगा, हमारे राष्ट्र की समृद्धि होगी और राष्ट्र के समाज का कल्याण होगा। इस प्रकार की भावना के साथ हम लोग संकल्प करें। धीरे धीरे इसके बाद और भी आगे हमारी प्रक्रिया आएगी और हमारे जो भी प्रकल्प है, जैसे जैसे हमारे अंदर भावना आ रही है वो आपके सामने आते रहेंगे और आप इसमें सहभागी बनते रहे। तो आप इसको पाठ आरंभ करें। और दूसरी बात, अक्षय तृतीया बहुत परम सिद्ध मुहूर्त है। 3.5 जो सिद्ध मुहूर्त मन जाते हैं उसमें से एक है। और इस दिन किया हुआ कोई भी कर्म, कहते हैं जैसे जब तक पुण्य आदि जो भी कर्म करते हैं वो अक्षय फल देता है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। तो आप जो भी इसमें आज 26 अप्रैल को जिस तरह अक्षय तृतीया को जो पाठ करेंगे, जो भी जाप करेंगे, वो आपका जो पुण्य फल होगा, जो तप फल होता है वो अक्षय होता है। दूसरी बात, जब हम अपने तप को समाज के राष्ट्र के लिए हित में जब समर्पित करते हैं तो प्रकृति हमें कई गुना करके वापस लौटाती है। इसलिए साधु संत समाज के हित के लिए अपने तपस्या को, अपनी साधना को समर्पित कर देते हैं, लेकिन प्रकृति फिर उनको किसी न किसी रूप में फिर वो वापस कर देती है, क्योंकि उनकी भावना होती सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो फिर जो हम दूसरों के लिए भावना बनाते हैं तो वही भावना फिर हमें कई गुना के साथ हमें लाभकारी होती है। तो ये एक संकल्प अच्छा है, आप इसको संकल्प के साथ आप करेंगे तो आपका भी कल्याण है और राष्ट्र का भी कल्याण है। और कोई प्रश्न होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम कल से हम भी 7 मई तक मौन रहेंगे। संभवतः अभी व्हाट्सएप का से जो भी उत्तर देना है वो नहीं दे पाएंगे, और चूँकि हमें भी जप करना है और पाठ भी करना है, और बहुत से साधक चूँकि हम नई कल्पना किए थे, लेकिन चूँकि मुझे शुरू से ही ये विश्वास था कि माँ भगवती का कार्य है और माँ भगवती स्वयं करेगी। लगभग लगभग जितना भी सहस्त्र चंडी के लिए 100 उपासकों की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है कि लगभग लगभग 150 के लगभग उपासक जो है उन लोगों के संदेश आ चुके हैं कि हम पाठ कर रहे हैं। तो कार्य तो हमारा सिद्ध हो गया, रह गई बात हवन की। तो हम लोग 1.25 लाख जप और उसका दशांश हवन करेंगे, और संभव तो इस तरीके से वो बगलामुखी और माँ भगवती दुर्गा, इन दोनों का एक समन्वय हो जाएगा और एक शुभ शक्ति राष्ट्र के लिए, समाज के कल्याण के लिए हमारे शुभ भावना से वो एक अपना कार्य आरंभ करेगी, और निश्चित रूप से उसके शुभ फल आपके सामने दिखाई देंगे। तो ठीक है, आप सभी लोग इसी संकल्प के साथ कि हम सब लोग मिलकर अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के आत्म कल्याण के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और ये बहुत सिद्ध मुहूर्त पे इसका आरंभ हो रहा है। और चतुर्दशी पर जो कि माँ भगवती पीताम्बरा का जो प्रगट्य दिन माना जाता है, मंगलवार के जो चतुर्दशी को ही उनकी उत्पत्ति जो प्रगट्य हुआ है, उसी दिन उसका समापन भी हो रहा है यज्ञ का। तो अक्षय तृतीया को इसका आरंभ होना और चतुर्दशी पर इसका समापन होना, ये एक बहुत सुंदर संयोग है। ऐसा संयोग बड़े दुर्लभता के साथ बनता है, और माँ भगवती पीताम्बरा आप सभी का कल्याण निश्चित रूप से करेगी। और जो जो भी इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हैं, और जो हमारे भावनाओं के साथ जुड़े हैं तो हमारी भावनाएं जिनके साथ जुड़ी है, जिस माँ भगवती के साथ जुड़ी है,
तो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भी भावनाएं, आपका भी संपर्क उस शक्ति के साथ स्वतः हो जाएगा, उनके आशीर्वाद कृपा आपको प्राप्त होगी। नारायण नारायण नारायण।